नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। लखीमपुर खान के मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट से खारिज हो गई है। आशीष के वकील अवधेश सिंह ने कोर्ट में जमानत याचिका डाली थी। वहीं अन्य आरोपी शेखर भारती को 3 दिन पुलिस कस्टडी में भेजे जाने की संभावना है। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर हिंसक झड़प में 4 किसान, 1 स्थानीय पत्रकार और बीजेपी कार्यकर्ता सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं। आरोप है कि जिस जीप से किसानों को कुचला गया था वो आशीष मिश्रा ही चला रहा था। इस पूरे मामले में सियासत भी जोरों पर है। सियासत अब तक खत्म नहीं हुई है, 2 सप्ताह होने वाले हैं, लेकिन अब भी लगातार विपक्षी दल इस पूरे मामले में सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्र को जमानत नहीं मिली है, सीजेएम कोर्ट ने याचिका खारिज की है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में बीते सप्ताह किसानों की जान चली गई थी। बताया जा रहा है कि मंत्री का बेटा यानी कि आशीष मिश्रा उस गाड़ी को चला रहे थे, उस वक्त वहां पर वो मौजूद थे और उसी गाड़ी से किसानों को कुचला गया, जिसमें 4 किसानों की जान चली गई। इसके अलावा 1 स्थानीय पत्रकार और तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान चली गई थी। यानी कि अब विपक्षी दल इस पूरे मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रहा है। लगातार पीड़ित परिवारों से मुलाकात हो रही है। इसके अलावा आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 7 कांग्रेसी नेता जो हैं वो राष्ट्रपति से मुलाकात करने भी पहुंचे थे और कहा था कि जब तक हिरासत में या फिर जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक इस्तीफा नहीं होगा, तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। लखीमपुर खीरी कांड में सियासत लगातार जारी है। अब इस पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने यूपी सरकार को घेर लिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखीमपुर हिंसा का जिक्र करते हुए कहा है कि लखीमपुर जैसी घटना आज तक नहीं हुई है। इसके साथ ही उन्होंने घटना का जिक्र करते हुए सीएम योगी के इस्तीफे की भी मांग की है। तो एक तरफ अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग कांग्रेस कर रही है, तो वहीं शरद पवार सीएम योगी पर निशाना साध रहे हैं और कहा है कि उन्हें जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। बिजनौर में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने स्थानीय नुमाइश ग्राउंड से मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया लोकतंत्र व्यवस्था की रीढ़ है, जिसको मजबूत बनाए रखने के लिए प्रत्येक मतदाता का कर्तव्य है कि वो बिना डरे अपने मतों का इस्तेमाल करे। उन्होंने विशेष रूप से युवा वर्ग को प्रेरित करते हुए कहा है कि आज पूरे विश्व में भारत की लोकतंत्र प्रणाली की धूम है और हमारा देश विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक देश है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हैं, इसमें ना कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा है। तो बिजनौर में जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई गई, डीएम ने जागरूकता रैली को रवाना किया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में लोगों में निर्वाचन के प्रति मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए एक जागरूकता फैलाने के लिए आज ये रैली निकाली गई है, जिसमें एनसीसी के कैडेट्स, एनएसएस के स्टूडेंट्स और आम नागरिक, जो सामाजिक संगठन हैं, सभी प्रशासनिक पुलिस अधिकारी ये रैली निकाले हैं कि जिससे लोगों में एक जागरूकता पैदा हो तथा अपने मताधिकार के प्रति लोगों में एक जिम्मेदारी का, कर्तव्य भावना का बोध हो। इटावा किसान सेवा केंद्र में किसानों की खाद की खरीद पर शिकायतें मिलने के बाद इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया ने मंडी स्थित किसान सेवा केंद्र का औचक निरीक्षण किया और किसानों से बातचीत की। इस दौरान अधिकारियों के सामने सांसद ने फोन से समितियों में खाद वितरण की स्थिति जानी, साथ ही कमियों को दूर करने का किसानों को आश्वासन भी दिया है। तो इटावा में किसान सेवा केंद्र का निरीक्षण किया गया। मौके पर सांसद रामशंकर कठेरिया निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं, किसानों को आश्वासित भी किया है, साथ ही साथ कहा है कि उन्हें समय पर खाद मिलनी चाहिए ताकि फसलों की पैदावार सही तरीके से हो सके। देखिए, किसानों ने मेरे को कुछ ने कहा था कि मुझे प्रॉपर और समय पर और जितनी मिलनी चाहिए उतनी खाद हमें नहीं मिल रही है, आलू का सीजन है। तो मैं अचानक जो यहाँ पर मंडी का ये बहुत बड़ा यहाँ केंद्र है जहाँ पर खाद किसानों को दी जाती है, वहाँ पर मैं अचानक आया हूँ। यहाँ पर
कृषि अधिकारी भी हैं, खाद के अधिकारी भी हैं, तहसीलदार भी है। तो यहाँ पर जो किसान हैं वो उनकी कुछ समस्याएं जेन्युइन थी, उनका निपटारा किया। कुछ ज़िले के केंद्रों पर खाद नहीं उपलब्ध थी, उनको फ़ोन लगा करके भी बातचीत की तो वहाँ पर भी पता लगा कि वहाँ पर खाद नहीं है। तो ये मैंने कहा है सब अधिकारियों से कि हर केंद्र पर तुरंत खाद पहुँचे। हमीरपुर में अखिलेश यादव की विजय यात्रा के दौरान हादसा हुआ। बता दें कि इस दौरान रोड पर खुले में एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ था जिसकी चपेट में एक समर्थक आ गया। गनीमत रहे कि युवक की जान को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। वहीं हादसे के बाद अखिलेश यादव ने अपने रथ से उतरकर युवक का हालचाल भी जाना है। हमीरपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सपा की विजय यात्रा के दौरान बड़ा हादसा होते होते चल गया। करण की चपेट में समर्थक आ गया। हालांकि जानमाल को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अफरा तफरी का माहौल देखा गया। जैसे ही यह हादसा हुआ, अखिलेश यादव नीचे उतरकर हालचाल जानने के लिए समर्थक के पास पहुंचे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एकदम से भगदड़ का माहौल यहाँ पर हो गया था। बताया जा रहा है कि खुले में ही ट्रांसफार्मर रखा हुआ था और इसी की चपेट में एक समर्थक वहाँ पर आ गया। गनीमत ये रही कि उसकी जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। कानपुर में बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी के बयान पर सपा कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए बीजेपी विधायक का पुतला दहन करने की कोशिश की, जिससे इस दौरान पुलिस और सपा समर्थकों के बीच आपसी झड़प भी हो गई। बता दें कि बीजेपी विधायक ने हाल ही में बयान दिया था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें सपा का गुंडा। वहीं विधायक के इस बयान के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने काफी आक्रोश दिखाया है। कानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी विधायक के बयान से नाराज सपा कार्यकर्ता आपस में उलझते हुए नजर आए हैं। विधायक का पुतला दहन करने की कोशिश की गई है। हमारे कानपुर नगर में गोमना विधानसभा के अंतर्गत सुरेंद्र मैथानी बीजेपी के विधायक हैं। कल उन्होंने बयान दिया था अपने मीडिया के माध्यम से, जिसमें में सपा झंडा लगा रहता उसमें गुंडे बैठते हैं। कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के अखिलेश यादव भी कानपुर राज्य विजय करते थे, यहाँ से रथ की शुरुआत की उन्होंने। कल आप लोगों ने स्वयं देखा होगा कि कितनी भीड़ थी, कितना हजूम था, मतलब दसियों हज़ार आदमी कल उनके रथ की यात्रा में था। इस भीड़ देख तो लोकल की बीजेपी नेता माननीय विधायक भी घबरा गए हैं। उनको लग रहा कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जनता करीब पहुँचे हैं और जनता उनको बेहद प्यार दे रही है। कार्यकर्ताओं का जोश उनके साथ सरकार उन्हें दौर बैठने जा रही है। ये देख के मैथानी जैसे विधायक और अन्य नेता बीजेपी के बौखला रहे हैं, पागल हो गए हैं। उनको ध्यान रहा है कि इस प्रदेश में सरकार चल रही, बीजेपी जो जाने वाली है और समाजवादी पार्टी सरकार आने वाली, जिससे नौजवान, किसान, महिलाएँ, उनकी कहते हैं खुशहाली आएगी, पूरे प्रदेश में चतुर्मुखी विकास करेंगे आगे पुनः। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी आशीष अवस्थी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, ये पूरा मामला किस तरह से है, जो सपा समर्थक थे और जो भाजपा समर्थक थे वो क्यों आपस में नोकझोंक करते हुए नजर आए हैं? पुलिस भी बीच बचाव में पहुंची, लेकिन पुलिस के साथ भी नोकझोंक हुई है। बिल्कुल, देखिए कल देखिए समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो है अखिलेश यादव, उन्होंने कल कानपुर से ही समाजवादी विजय रथ यात्रा निकाली थी और इस यात्रा में भारी जन सैलाब भी देखने को मिला था। इसी बात को लेकर जब बीजेपी के विधायक सुरेंद्र मैथानी से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कानपुर के लोगों की विचारधारा, जो समाजवादियों का पिछला चरित्र देख चुके हैं, उसके बिहाफ पर उन्होंने कहा था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा समझो गुंडा। यानी साफ तौर पर उन्होंने अखिलेश यादव की जो रथ यात्रा उस पर टिप्पणी करते हुए समाजवादियों को गुंडा करार दिया था। और इसी बात को लेकर जो है आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंकना चाहा, जिस पर जो है उनकी पुलिस से तीखी झड़प भी हुई है। आशीष, इस बयान को लेकर लगातार बीजेपी विधायक सुर्खियों में आ गए, जिससे सपा कार्यकर्ता नाराज हो गए। क्या मांगे हैं सपा कार्यकर्ताओं की? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर समाजवादियों का साफ तौर पर कहना है कि ये समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अपमानित करने वाला बयान है, क्योंकि किसी को भी बिना तथ्य के गुंडा करार देना, यदि वो गुंडे हैं तो उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए, सामूहिक रूप से FIR दर्ज करानी चाहिए, इस तरह के तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव का जो भारी जन सैलाब था उसको देखकर जो है विचलित होते हुए बीजेपी के विधायक ने इस तरह का बयान दिया है। और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित यह बयान जो बीजेपी के विधायक सुरेंद्र मैथानी है उनके द्वारा दिया गया है। जी,
ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो कानपुर का ये पूरा मामला, बीजेपी विधायक के बयान से सपा कार्यकर्ता नाराज हो गए, पुतला दहन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच गई और यहां पर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी विधायक ने जो बयान दिया है वो सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि सपा में जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी नेता हैं, वो गुंडे हैं। मथुरा में एक फौजी के शव को चिता पर रखकर उसके परिजन मामले में अधिकारियों की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल बिहार में तैनात कटिहार के फौजी हवलदार की बीमारी के चलते ड्यूटी पर ही मौत हो गई। वहीं जवान के अंतिम संस्कार में किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के ना पहुंचने पर परिजनों में नाराजगी है, जिसके चलते परिजनों ने जवान का अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया। मतलब थोड़ी तबीयत खराब हुई, कोकराझार बेस हॉस्पिटल मतलब इनको एडमिट किया गया। बेस हॉस्पिटल में ब्रेन हैमर हुआ, उससे उनकी डेथ हो गई जी। उसके बाद में तीन दिन बाद मतलब हम लोग वहाँ से यहाँ तक पहुँच पाए। यहाँ जो मैं देख रहा हूँ कि जो एक फौजी को सम्मान दिया जाता है जी, वो यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, जो यहाँ की जो नेता नगरी है, प्रशासनिक अधिकारी, जो प्रशासनिक के जो अधिकारी है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। वहीं मथुरा में पुलिस की गाड़ी पलटने से बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि पुलिस की गाड़ी नहर में गिर गई। वहीं गाड़ी में सवार चार में से दो पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो मथुरा का ये पूरा मामला, जहां पर नदी में पुलिस की गाड़ी पलट गई, हादसे में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो मथुरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अचानक नदी में पुलिस की गाड़ी पलट गई और इस हादसे में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। स्वास्थ्य केंद्र राया पर चार पांच लोग आए थे, बट उनमें दिक्कत एक लोग को ही थी, उनके नेक पेन था, थोड़ा शोल्डर में इंजरी थी। प्राथमिक उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राया पर दिया गया, उसके बाद उन्हें एक्सरे के लिए और जाँचों के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मथुरा रेफर किया गया। तो एक कांस्टेबल घायल थे? हाँ, एक कांस्टेबल उसमें थे, उनका फर्स्ट एड जो ट्रीटमेंट रहता है वो हमने कर दिया। क्या नाम था इनका? इनका नाम था अमित कुमार। पीलीभीत में पिछले कई सालों से नवरात्र पर नवमी के दिन होने वाले देवी जागरण को लेकर स्थानीय कोतवाल ने रोक लगा दी है, जिसको लेकर बुधवार को स्थानीय नागरिकों ने सदर विधायक संजय सिंह गंगवार से देवी जागरण को परमिशन दिलाने की गुहार लगाई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पीलीभीत की, जहां देवी जागरण पर कोतवाल ने रोक लगा दी, जिसको लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश दिखाई दिया और इसी को लेकर वो सदर विधायक के पास पहुंचे हैं और मामले में गुहार लगाई है कि उन्हें परमिशन मिलनी चाहिए। आप बता दें कि कोरोना की वजह से पिछले साल से तमाम ऐसे जो आयोजन हैं उन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन इस साल थोड़ी छूट दे दी गई है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां प्रशासन बहुत ज़्यादा सख्त है और पीलीभीत में ही ऐसा नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। कुछ लोग नहीं, ये सब हमारे परिवार के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोग हैं और कार्यकर्ता हैं सब पार्टी के। बहुत समय से वहाँ माँ भगवती का जागरण होता चला आ रहा था, तो कुछ उसमें इशूज थे कि रोड ब्लॉक ना हो, सब कार्यकर्ताओं को भी समझा दिया गया और उच्च अधिकारियों से भी बात कर ली गई कि जो शासन का नियम है उसके अनुरूप जागरण होगा। क्षेत्रीय इंस्पेक्टर, उनका कहना है कि वो संवेदनशील मुस्लिम क्षेत्र है इसलिए जागरण नहीं होगा, इस पर क्या कहना है आपका? अब ये क्षेत्रीय इंस्पेक्टर का अपना बयान है, मेरी उच्च अधिकारियों से बात हुई है और क्षेत्रीय इंस्पेक्टर का अगर ये बयान है कि मुस्लिम क्षेत्र है तो ऐसा नहीं है। मुस्लिमों को त्यौहार होते हैं तो हम सारे हिंदू लोग सपोर्ट करते हैं, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम वाली पीलीत में कोई बात ही नहीं है, और जब हिंदुओं का त्यौहार होता है तो हमारे मुसलमान भाई भी पूरा सहयोग करते हैं। सहारनपुर के देवबंद नगर के सांपला रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक बंद पड़े घर में बिजली के तारों में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। वहीं इस आग के चपेट में आकर पूरा घर जल गया। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, तो शॉर्ट सर्किट के चलते घर में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। बताया जा रहा है कि ये घर काफी दिनों से बंद पड़ा था और शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि घर में भीषण आग लगी हुई है
और आसपास के लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं आग बुझाने की, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की। सहारनपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 5 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने चोरों के कब्जे से चोरी के 4 वाहन समेत एक चाकू भी बरामद किया है। बता दें कि सहारनपुर पुलिस की ओर से वाहन चोरों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी। तो सहारनपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, 5 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप बता दें कि पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी और आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। बाराबंकी में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 10 सालों से गरीब लड़कियों और लड़कों की शादी करवाने का संकल्प लिया। वहीं इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 91 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया। तो बाराबंकी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, 91 जोड़ों का सामूहिक विवाह यहाँ पर कराया गया है। भारतीय किसान यूनियन ने इस विवाह का आयोजन कराया था। यहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी मौके पर मौजूद रहे थे। आयोजक करने वाले लोग हैं और भारतीय किसान यूनियन इस आंदोलन को इसको कर रही है, जो सामाजिक एक किस्म से ये सामाजिक आंदोलन है, ये भी एक सामाजिक आंदोलन है, इसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और इसमें जो एक टीम है, टीम वर्क है पूरा, इसमें प्रशासन का भी सहयोग है, इसमें मंडी का भी सहयोग है, इसमें पुलिस का भी सहयोग है, यहाँ के पत्रकारों का भी सहयोग है, यहाँ के दुकानदार जो व्यापारी है उनका भी बड़ा सहयोग इसमें है, और ये सब मिलजुल के एक टीम वर्क के माध्यम से ये प्रोग्राम करते हैं। मेरठ में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक महिला का शव रोड पर पड़ा मिला। वहीं शव देखकर आसपास के ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मेरठ का ये पूरा मामला, जहां पर रोड पर महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास जो ग्रामीण थे उन्होंने शव की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, मामले में कार्रवाई में जुट गई है। हाथरस के सादाबाद में आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी एक विशाल सभा में शामिल हुए। वहीं मंच को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार को अपराध और भ्रष्टाचार में नंबर 1 बताया, साथ ही किसानों की हत्या पर भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। तो हाथरस पहुंचे जयंत चौधरी बीजेपी पर वार करते हुए नजर आए हैं और कहा कि बीजेपी सरकार में अपराध चरम पर है, किसानों की हत्याएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार भी चरम पर पहुंच रहा है। क्या ये आशीर्वाद पद के कार्यक्रम हो रहे हैं पूरे प्रदेश में जी, और जो लोग चौधरी साहब का जो लोग साथ देते थे, मैं उनके बीच जा रहा हूँ, सब समाज का आशीर्वाद लेने। जैन जी एक सवाल है, लखीमपुर खीरी में जो है 8 लोग की डेथ हुई है, आपने मन से केवल 5 लोगों का कहा, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है क्या वो इंसान नहीं है क्या? भैया आपको पता है कि कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे क्राइम में? नहीं, हमें ये भी नहीं पता। नहीं तो आपने कैसे तय कर लिया? ये तो कानून का मसला है ना। आपको ये भी पता है गाड़ी कौन चला रहा था कौन नहीं चला रहा था? आप किसके नाम में यहाँ ले लूँ और बाद में पता चले वो गाड़ी चला के रौंद रहा था, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। अच्छा, आपके मंच से जो रागिनी का प्रोग्राम चला उसमें सहानुभूति तो आपको उनके प्रति भी तो होनी चाहिए ना? मेरी सहानुभूति हर एक के प्रति है, लेकिन अगर वो दूसरी तरफ होंगे, अगर किसान के हत्या में उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, अगर किसान के हत्या में किसी का इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसके प्रति। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपेश, जयंत चौधरी आज पहुंचे, एक जनसभा को संबोधित किया, साथ ही साथ बीजेपी पर पलटवार भी किया है, किसानों के मुद्दे को भी उठाया है, कितनी राजनीति करेंगे जयंत चौधरी इस पर? जी काजल, मैं बता दूं कि जो पूरा मामला जो है वो सिकंदराव विधानसभा सालाबाद विधानसभा से है, जहां जयंत चौधरी ने आज पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया और जो सरकार है भाजपा उस पर तीखी नोक झोंक भी की, हमला भी किया। उसके बाद में जयंत चौधरी का मानना है कि सपा के साथ गठबंधन करके हम ज्यादा से ज्यादा सीटें लाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। यानी कहा जा सकता है कि सपा और आरएलडी एक साथ 2022 में हमें दिखाई देंगे? जी
जयंत चौधरी का जो कहना है उसके देखते हुए तो यही लगता है कि लोकदल और सपा का जो गठबंधन होगा उसके साथ में दोनों पार्टियां यूपी से चुनाव लड़ेंगी। यानी कहा जा सकता है कि सपा को अब दलितों के साथ साथ मुस्लिमों के साथ साथ जाटों का साथ भी मिलने जा रहा है। जी बिल्कुल, जाट बहुमूल्य क्षेत्र है सादाबाद में, जाटों की बेल्ट जो बोली जाती है वो सबसे ज्यादा जाट जो बोले जाते हैं वो सादाबाद क्षेत्र में है, जहां आज जयंत चौधरी पहुंचे थे। उन्होंने जाटों को बिल्कुल एक तरीके से कहा है। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर जयंत चौधरी ने क्या कुछ कहा है इस पूरे जनसभा के दौरान? जी लखीमपुर खीरी के मामले में जयंत चौधरी ने कहा कि जो प्रधानमंत्री भाजपा नरेंद्र मोदी है वो लगातार ट्वीट करते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जन्म दिवस के पर ट्वीट करते हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी के मामले में अभी तक प्रधानमंत्री ने कोई भी ट्वीट नहीं किया है। और जो नेता है, जो मंत्री है, उनके बेटे हैं, उनको सजा हो, मंत्री को सजा हो। बिल्कुल दीपेश, यानी हम समझ सकते हैं कि ये जो पूरा दौरा था, ये जो पूरा संबोधन था वो पूरी तरह से राजनीतिक था। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जयंत चौधरी का बीजेपी पर वार नजर आया है और सबसे खास बात ये रही कि यहाँ पर जयंत चौधरी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि सपा के साथ गठबंधन करने की पूरी तैयारी है। बागपत के बड़ौत शहर में उस समय हंगामे भरी स्थिति पैदा हो गई जब एक दुकान के कर्मचारियों ने वहां से गुजर रहे एक युवक की जमकर पिटाई कर डाली। वहीं मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये घटना दोपहर के समय की बताई जा रही है जब एक जूते की दुकान पर काम करने वाले दो कर्मचारियों ने एक युवक की जमकर पिटाई करना शुरू कर दिया। वहीं इस मामले में अब वायरल वीडियो के आधार पर मामले की छानबीन की जा रही है। हालांकि वजह क्या है ये साफ नहीं हो पाई है, किस कारण युवक की पिटाई की ये भी साफ नहीं हो पाया। मथुरा के थाना कोसी कला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने एक अंतर्राज्य वाहन चोर गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों से बाइक, तमंचा समेत कई हथियार भी बरामद किए हैं। कि एक जनपद मथुरा के थाना कोसी क्षेत्र में सूचनाएं मिल रही थी कि एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो यहां पर ऑपरेट कर रहा है, NCR क्षेत्र से चार पहिया गाड़ियां चुराता है और यहां पर चोरों के माध्यम से उसको कटवाया जाता है, उसके जो पार्ट्स हैं वो ब्लैक मार्केट में बेचे जा रहे हैं। इसी सूचना पर कोसी पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें एक अंतर्राज्यीय गैंग के 8 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है और इनके पास से 5 चार पहिया गाड़ियां जो कि चोरी की थी और कटवाने के लिए लाई गई थी वो बरामद हुई हैं, 2 अधिकृत गाड़ियाँ बरामद हुई हैं और इसके साथ साथ 21 गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं, रेडिएटर या जो अन्य पार्ट्स हैं वो बरामद हुए हैं। इस गैंग का जो सरगना है वो उसका नाम मनीष है, जिसका कि बहुत लंबा आपराधिक इतिहास है। इसके ऊपर दिल्ली से कुल 41 मुकदमे दर्ज हैं और इसके साथ 7 मेंबर्स और अरेस्ट हुए हैं। इनके यहाँ पर जो सामान इस्तेमाल होता है गाड़ियों को काटने में वो भी बरामद हुआ है। ऐसे और भी गिरोह के बारे में कुछ सूचना इनसे प्राप्त हुई है, जिसके आगे चल के कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।